Hello everyone, good morning students, welcome again. Students, so today we are going to discuss the chapter number 2 Nutrition in Animal. As you know, that we already discussed the half of the chapter in the previous video class. In today's class, we are going to discuss the नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइजेशन इन र्यूमिनंस सो स्टूडेंट्स आप सबको पता है हमने चैप्टर नंबर टू के काफ़ी सारे पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं फिर भी एक हम शॉर्ट रिवीजन लेंगे उसके बाद हम आज सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे देन डाइजेशन इन र्यूमिनन्स को स्टडी करेंगे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट मिले मुझे कि मैम इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा दीजिए प्लीज़ पढ़ा दीजिए और वो इम्पॉर्टेंट भी है ये तो मैम ने आपकी बता दिया आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ने के बाद आपको क्या करना है उसे लर्न भी करना है इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ने के बाद उसे लर्न भी करना है और कमेंट बॉक्स में जब भी आप कमेंट करेंगे तो अपना नाम और सेक्शन जरूर मेंशन करेंगे वहां पे ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद नेम योर नेम एंड सेक्शन चलिए स्टार्ट करते हम आज की वीडियो तो जैसा कि आपको पता है न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं काफ़ी सारे इस चैप्टर में नए वर्ड्स थे जस्ट लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशन ठीक है स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने देख लिए थे यहाँ पे पांच छह स्टेप हैं इसके जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे जिससे इस पुरानी चीज़ें सारी क्लियर हो जाए उसके बाद हमने देखा था स्टेप्स ऑफ इजेक्शन इन अमीबा अमीबा अपना फूड कैसे खाता है इंजेक्शन के पूरे स्टेप देखे थे सीडोपोडिया की हेल्प से वो क्या करता है फॉल्स फील्ड डेवलप करता है तो ये सारी चीज़ें मैम आपको पढ़ा चुकी हैं बता चुकी हैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन वे में और ये अमीबा का जो डायग्राम है ये आपको क्या करना था आपको अपनी कॉपी में बनाना था मैम ने लास्ट वीडियो में बताया था ठीक है कॉपी में बना लेना है क्योंकि ये जो डायग्राम है ये कब हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है ठीक है नाइन्थ टेंथ में ये अक्सर पूछ लिया जाता है अमीबा फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था इंटरेस्टिंग क्यों था क्योंकि ह्यूमन डाइजेशन आप खुद ह्यूमन है तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में कि आपकी बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है कौन कौन से एंजाइम और कौन कौन से ऑर्गन इसमें हेल्पफुल होते हैं हमारा जो खाना होता है जो हम खाते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स एंड फास्ट फूड बिस्किट एंड ऑल वो कैसे डाइजेस्ट होता है वो सारी चीज़ें हमने देखी थी इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल इसके मेन मैन पार्ट्स क्या थे माउथ एंड बकल कैविटी ईसोफैगस ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं फूड पाइप भी कहते हैं स्टमक इस्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टर्म एंड एन तो ये सारे क्या हैं ये एलिमेंट्री केनाल के पार्ट्स हैं उसके बाद मैम ने आपको डायग्राम भी दिया था एक सेपरेटिव वे में क्या आपको डायजेस्ट सिस्टम का डायग्राम अपनी कॉपी में पेंसिल से बना लेना है अब बना के के क्या करनी है? करनी है है स्कूल ऐप में में मैम को इमेज सेंड कॉपी बनाने के बाद डायग्राम की जिससे आपकी कॉपी चेक हो जाए उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था तीत तीत कितने टाइप के होते हैं फोर टाइप्स के होते हैं जो आगे साइड फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जो उसके पीछे होते हैं उसको क्या कहते हैं कैनाइन फिर प्री मोलर और जो पीछे वाले बड़े दांत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं मोलर्स कहते हैं उसके बाद हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी मैं रिवाइज करवा देती हूँ सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होता है हमारे माउथ में होता है उसमें से क्या सिक्रीट होता है सलाइवा सिक्रीट होता है ठीक है एंजाइम कौन सा सलाइवरी अमाइलेज ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैम आपको पढ़ा चुकी है नेक्स्ट पेज में आते हैं उसके बाद हमने देखा था टंग टंग में कितने टेस्ट बर्ड होते हैं टेन थाउजेंड टेस्ट बर्ड होते हैं ईसोफैगस ईसोफैगस को क्या कहते हैं फूड पाइप भी कहते हैं इसमें से जो खाना जाता है वो कौन से मूवमेंट के थ्रू जाता है वो पेरेस्टेलाइसिस यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है मूवमेंट कौन सा आता है तो मूवमेंट आर नोन एज पेरेस्टेलाइसिस ठीक है फिर उसके बाद बात आई थी स्टमक की स्टमक में कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस तीन सीक्रेट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस एंड पेप्सिन एंजाइम ये आपको याद रहना चाहिए कौन कौन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस एंड पेप्सिन एंजाइम ये तीन क्या है गैस्ट्रिक जूसेस हैं ठीक है जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होते हैं जब हमारा खाना पेट तक पहुंचता है तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये स्टमक में सिक्रीट हो जाती हैं नाउ नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है इसमें क्या मैम ने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कराया था स्मॉल लेटेस्ट जो कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ठीक है एलिमेंट्री केनाल का क्या है लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका साइज क्या है सिक्स मीटर लॉन्ग कितनी कितनी बड़ी होती है सिक्स मीटर लॉन्ग होती है तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है जो आपको मैम ने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है इसे आप अगर जिस भी भी बच्चे ने अभी तक नहीं किया अंडरलाइन वो अंडरलाइन कर लीजिए नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था बाइल जूस पेनक्रियाटिक जूस ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है न्यूट्रिशन इन रिमिनेंस उसके पहले हम क्या करेंगे काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बार सारे फिर से पढ़ा दीजिए तो हम एक बार इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवाइज कर लेते हैं सो इंटरेस्टिंग फैक्ट इम प्रॉपर ओवरऑल हेल्थ में लेट टू डिफेक्टिव टीथ एंड मे कॉज डिजीजेस फाउल स्मेल मे बी या इंडिकेशन ऑफ टूट डिके तो अगर आप सब अभी क्या है बच्चे हैं आप सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि ब्रश करिए अपने माउथ को क्लीन रखिए अगर आपके माउथ से गंदी स्मेल आती है या आपके माओ तीत गंदे रहते हैं तो वो क्या है आगे उसका टूट डिके हो सकता है आपके सारे दाँत खराब हो सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ सलाइवा प्रोडक्शन इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट वन पॉइंट जीरो टू वन पॉइंट फाइव लीटर ऑफ सलाइवा इज़ प्रोड्यूस बाई अ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट इन अ डे सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा था जो सलाइवा होता है वो कितना प्रोड्यूस होता है एक दिन में वन पॉइंट जीरो टू वन पॉइंट फाइव लीटर्स ऑफ सलाइवा तो ये आपका इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ पर तो डबल स्टार बना लेंगे क्योंकि दिस दिस पार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट बिकॉज इट टेल्स अबाउट योर टंग पीपल ऑफ बॉर्न विथ टेन थाउजेंड टेज बर्ड बट एज अ प परसन एजेज सम ऑफ हिस एंड हर टेज बर्ड डाय ठीक है तो आपको मैम ने इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट में भी भेजा था कॉपी में करने के लिए तो जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी टंग में कितने टेस्ट बर्ड होते हैं टेन थाउजेंड एज बर्ड ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट उमामी उमामी इज़ अ जापनीज वर्ड मीनिंग डिलीशियस उमामी का क्या मतलब होता है डिलीशियस ठीक है ये क्यों बोला जाता है ये वर्ड उमामी इज़ अ जापनीज वर्ड मीनिंग डिलीशियस डेजिग्नेटेड अ प्लीजेंट टेस्ट सेंसेशन डैट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फॉर्म स्वीट सोर बेटर और सॉल्टी ठीक है तो उमामी क्या है एक डिलीशियस डिशियस है इसका मतलब क्या होता है डिलीशियस जो कि सेंसेशन के लिए बनाया गया है किसके लिए स्वीट सोर बिटर एंड सॉल्टी के लिए तो यहाँ पे आप लोग को क्या लर्न करना है उमामी का मतलब लर्न करना है उमामी मीनिंग इज डेलीशियस लर्न दिस नाउ डायरिया एंड ट्रस्टिंग फैक्ट इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वोट्री फेसेस होते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है डायरिया जिसमें वॉट वी हैव टू टेक ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन ओ आर एस ओके तो दिस पार्ट इज वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट वीडियो सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन इन व्यूमिन सो so स्टूडेंट्स जिन भी स्टूडेंट ने इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं पढ़ा था वो आज की वीडियो में देख लेंगे और पुराने वीडियो भी आप लोग देख लेंगे न्यूट्रिशन इन रिमिनंट की बात करेंगे आर्वी बोरस एनिमल आर्वी बोरस एनिमल कौन से होते हैं वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं प्लांट ईटर्स ठीक है अभी वो एनिमल को क्या बोल सकते हैं प्लांट ईटर्स तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है काउ गोद शिप बफेलोस एक्सेट्रा ईट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट एज देयर फूड दिस फूडर इज रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोस ठीक है जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं घास वास खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है सेलुलोज प्रेजेंट होता है बट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट हैव एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज सो दे डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दैट लीव्स इन अ स्पेशल पार्ट ऑफ देयर स्टमक कॉल्ड र्यूमन एंड सच एनिमल आर कॉल्ड र्यूमिनंस ठीक है तो इनके पास क्या कोई भी एंजाइम नहीं होता जिससे कि सेलुलोज डायजेस्ट कर सके इसके लिए इनका जो स्टमक का पार्ट है स्टमक के कौन सा पार्टन में ठीक है एक बैक्टीरिया होता है जो कि इनका खाना डाइजेस्ट करने में इनकी मदद करता है ठीक है हार्विवरस एनिमल का खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है इसे हम देख लेंगे एक डायग्राम के थ्रू वापस से पेज में आ जाते हैं पेज नंबर नाइनटीन इस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं ये क्या है बर्गर है ठीक है क्या है खाना है इसे आपने क्या किया माउथ से खाया क्या क्या यूज हुआ इसमें तीत का दांत का इस्तेमाल किया राइट इसे आगे आगे वाले जो सीजर तीत है आपने उससे क्या किया कट किया टंग का यूज हुआ सलाइवा ठीक है उसका यूज किया आप लोग ने फिर खाना आपका कहाँ गया ईसो में गया ये साइकिल हमें क्या बता रही है जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ कहाँ जाता है ठीक है फिर आपका फ़ूड कहाँ गया ईसोफैगस में गया ईसोफैगस से आपका फ़ूड कहाँ चला गया स्टमक में चला गया ईसोफैगस के बाद आपका फ़ूड कहाँ गया स्टमक में क्या चला गया स्टमक में क्या प्रोसेस होती है स्टमक में क्या सिक्रिएट होता है एस सी एक्ससीएल क्या करता है उसके जर्म को किल कर देता है किल जर्म उसके बाद म्यूकस म्यूकस क्या करता है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ दी स्टोमक ठीक है फिर उस नेक्स्ट था पेप्सिन पेप्सिन क्या करता है जो हमारे खाने में जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है जैसे कि हमने दाल खाई पल्सेस खाई ठीक है उसमें जितना भी प्रोटीन पार्ट है उसे क्या पेप्सिन क्या करता है डाइजेस्ट करने में मदद करता है स्टमक में ये तीन प्रोसेस होता है उसके बाद आप लोग क्या करेंगे स्टमक में जो ये तीन प्रोसेस बताया गया है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अपने नाम और सेक्शन के साथ अपने नेम और सेक्शन के साथ इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे स्टमक में क्या क्या प्रोसेस होता है कौन सी तीन चीज़ें सिक्रीज हो सिक्रीट होती हैं कौन सी एस सी एल म्यूकस एंड पैपसिन उनके वर्क क्या है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करेंगे और अपना नाम भी नीचे लिख देंगे जैसे कि आपका नाम अगर अंजलि है तो ये तीन चीज़ लिखेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे अंजलि सेवन्थ ए या सेवन्थ बी जो भी सेक्शन है आपका ऐसे मेंशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसीजर होती है वहाँ पे क्या होता है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रिया हमें जूस देता है तो मैम ने आपको बताया था कि जितने भी जूसेस यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं जूस एसिड ठीक है इन सब का काम एक ही है क्या हमारे खाने को डाइजेस्ट करना हमारे खाने को डाइजेस्ट करना खाने को पचा देना ही इनका काम है तो ये लोग जो सिक्रीट हो रहे हैं अलग अलग जगह से कुछ जूस कहाँ से सिक्रीट होते हैं पेनक्रिया से सक्रीट होते हैं कुछ आते हैं लीवर से तो इनका काम है हमारे खाने को क्या डाइजेस्ट करना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस हो रहा है डाइजेस्ट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट बाइल फ्रॉम द लीवर इमल्सिफाई लीवर फैट तो क्या काम करते हैं ये लोग हमारे खाने में जो प्रोटीन प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है फैट प्रेजेंट है लाइक like हमने अगर देसी घी खाया है या बटर खाया है ठीक है उसमें फैट होता है तो ये सारी चीज़ें हैं वो सब डाइजेस्ट करता है फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा एब्जॉर्व होगा उसमें से सारी चीज़ें तो वो कहाँ पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, का है एब्जॉर्व करना यहाँ पे दिया हुआ है एबजॉर्बन क्या क्या ऑब्जॉर्व करता है हमारे खाने में जो वाटर है ठीक है साथ में हम पानी भी पीते हैं दाल जब बनाते हैं सब्जी बनाते हैं उसमें पानी भी डालते हैं ना रस्से वाली सब्जी में तो उसमें क्या होता है वाटर होता है सॉल्ट तो वो कहाँ पे ऑब्जॉर्व होता है हमारे खाने में जितना भी पानी होता है या जो हमने पानी पिया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्व हो जाता है फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है ठीक है रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है तो ये सारा प्रोसेस है फ्लो चार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग तो आप लोग को इसमें क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या कमेंट करना है क्योंकि जब एग्जाम और टेस्ट होगा तो मैम यहाँ से आपके देंगी क्वेश्चन बना के कि स्टमक में कौन सी चीज़ें सिक्रीट होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि स्टमक में क्या क्या चल रहा है आपके तीन चीज़ें कौन से सीक्रीट हो रही हैं एच म्यूकस पैप्सिन ठीक है तो एच का क्या काम है किलिंग जॉर्म प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक और पैप्सिन का क्या काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे इसके बाद हम डाइजेस्ट हम क्या डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन रूमिनंस तो यहाँ पे मैम ने आपकी बताया कि जो जानवर होते हैं हरवी वोस एनिमल जो घास फूस खाते हैं यहाँ पे आप एग्जांपल आपका दिया हुआ है ये देखिए इमेज आपकी दी हुई है ना ये क्या है काऊ है काउ क्या कर रही है क्या कर रही है घास खा रही है ठीक है तो ये कैसे डाइजेस्ट होता है इनके बॉडी में ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो अभी मैम ने आपकी क्या बताया कि स्पेशल बैक्टीरिया होता है स्टमक का जो पहला पार्ट है र्यूमन में जो इनका खाना डाइजेस्ट करने में इनकी मदद करता है और भी वोरस एनिमल के खाना डाइजेस्ट करने में उनकी मदद करता है तो इनका स्टमक का कौन कौन सा पार्ट है र्यूमिनव ए स्पेशलाइज डाइजेस्टिव सिस्टम देर स्टमक हैज फोर चैम्बर कितने चैम्बर हैं इनके स्टमक के फोर ठीक है कौन कौन से इनके स्टमक के कितने पार्ट है चैम्बर मीन्स पार्ट वो कितने हैं फोर हैं पहला है र्यूमन दूसरा है रेटिकुलर तीसरा है ओमैसम चौथा है नेक्स्ट पार्ट है ओमैसम तो वो जो उन्होंने वापस से खाया है वो कहाँ पे जाता है ओमैसम में जाता है दिस इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर तो ओमैसम क्या है स्मॉलेस्ट चैम्बर है यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे लार्जेस्ट चैम्बर है रूमैन और स्मॉलेस्ट है ओमैसम उसके बाद फूड कहाँ पे जाता है फोर्थ चैंबर में जाता है फोर्थ चैम्बर क्या है ये मैम ने आपको अभी बताया है ठीक है इसको क्या कहते हैं द ट्रू स्टमक फोर्थ चैम्बर को क्या कहते हैं इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग फोर्थ चैम्बर है जो एबोज मैसम उसे क्या कहते हैं ट्रू स्टमक कहते हैं इसमें क्या होता है एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं सो स्टूडेंट्स आज यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है ठीक है तो ये आपका जो डाइजेशन इन रूमेनेंस है ये क्योंकि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसे भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले खाना कहाँ पे जाता है रूमन में चला जाता है जो कि लार्जेस्ट पार्ट है जाके स्टोर हो जाता है और जब एनिमल किस में होता है रेस्टिंग में होता है रेस्ट कर रहा होता है रेस्टिंग फेज में होता है तो उसका खाना वापस से माउथ में जाता है फिर वो जो गाय भैंस होती है वो बैठ के क्या करती है मुँह चलाती रहती हैं तो उनका खाना माउथ से डाइजेस्ट होकर के वापस से स्टमक के दूसरे पार्ट में जाता है वहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होते हैं देन खाना डाइजेस्ट हो जाता है फुली तो यहाँ के जो कीवर्ड्स हैं इसमें क्या दिया हुआ है कीवर्ड्स में होले न्यूट्रिशन जो ऑलरेडी मैम ने आपको बता दिया है सीडोपोडिया कहाँ पे होता है सीडोपीडिया अमीबा में प्रेजेंट होता है बाइल जूस कहाँ से प्रेजेंट होते हैं लीवर विलाई विलाय प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन रूमन इज प्रेजेंट इन द एनिमल इज अ पार्ट ऑफ एनिमल एंड कार्ड ठीक है पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है फिर उसके बाद राउंड अप में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या बताना है ये मैम ने आपको बता दिया है राउंड अप के पॉइंट क्या है इन द मोस्ट ऑफ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन इज एक तो ये आपको मैम ने बता दिया होलोजोइ के कितने पार्ट होते हैं इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बशन एसिमिलेशन एंड इजेशन एम अपना खाना कैसे खाता है सीडोपोडिया के थ्रू खाता है फिर उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या 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 प्रोसीजर है माउथ पास थ्रो द ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है डाइजेस्टेड फूड कहाँ ऑब्जर्व होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में एनिमल्स के बारे में सो स्टूडेंट्स so आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है आज की क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी बिकॉज यू नो अबाउट दी एनिमल काउ एंड बफेलोज ओके सो इसके नेक्स्ट पार्ट में इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज पार्ट थैंक यू